अपने हाथ ऐसा करो, ये भी ऐसे, अच्छा इधर देखो। ओके तो हम लोग आए हैं आज वर्सोवा बीच पे। ऐसे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे क्राउड बहुत रहता है, बट आज क्राउड नहीं है, बट जितने लोग हैं ना हम लोग कोशिश करेंगे सबको घेर लें। भाई मैजिक देखोगे? हम लोग कुछ शूट कर रहे थे अभी, मैं परेशान अभी। एक दो नहीं अभी, अभी परेशान। अच्छा कोई नहीं, अब एंजॉय करो भाई, जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप फोटोज ले रहे थे क्या? हाँ। आप मॉडलिंग करते हो? इंस्टा वगैरह कुछ रील्स वगैरह बनाते हो? नहीं पता नहीं, बट मालूम है मैं यहाँ पे देख रहा था सारे, मतलब यू नो सिंगल सिंगल लोग घूम रहे हैं, है ना, और आप अकेले खड़ी हो। हाँ, क्योंकि मेरे को रील्स बनानी थी नॉर्मल। मैं पहले ही बोल रहा था इंस्टा पे कुछ करते होगा, शायद मैंने कहीं देखा है। अच्छा अच्छा, गैलरीज में खुद के लिए? वैसे भाई दो हम लोग है ना कुछ वीडियो शूट कर रहे थे, यूट्यूब चैनल है हमारा, हम लोग उसके लिए कुछ वीडियो शूट कर रहे थे और मैजिक वीडियोस। तो कुछ मैजिक दिखा सकता हूँ आपको? यू नो हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स है, राइट, और सारे कार्ड्स अलग हैं। सारे कार्ड्स अलग है, कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर लो, देख के भी कर सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड कलर का करोगी तो ज़्यादा बेटर है। परफेक्ट। आपका नाम क्या है? धनश्री। धनश्री इस कार्ड के ऊपर है ना अपना नाम लिख दो बड़ा सा पेन से। ओके परफेक्ट, बात कैप लगा दो। सी धनश्री, वो मैं अपने पास रख लेता हूँ अभी। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा है, राइट, ये आपकी राइटिंग है। हाँ। इसको हम लोग ऐसे टर्न कर रहे हैं और ऐसे फोर पीसेस में है ना फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है धनश्री, कुछ नहीं करना है इसको, है ना अपने दांतों के बीच में से बाइट करना है जिस तरीके से। परफेक्ट। ओके धनश्री, जैसे आपने एक कार्ड पे नाम लिखा, राइट, वैसे मेरे पास एक कार्ड है टू ऑफ स्पेड और इसके ऊपर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। वह ऐसे ही रखना है कार्ड, उसको छूना नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ आर्या, राइट, एकदम ध्यान से देखो। तो आज स्प्रेड इसको हम लोग ऐसे होल्ड कर रहे हैं, अपने हाथ ऐसा करो, ये भी ऐसे, अच्छा इधर देखो। माय गॉड, उस पे क्या लिखा वैसे? क्यों पता नहीं हुआ, बट मालूम है धनेश्री हम लोग माइंड रीड करते हैं। अच्छा। मैं एक हिंट देता हूँ, मैं एक माइंड रीडिंग करके दिखाऊँ। हाँ, तो आपका नाम श्रेया है? हाँ। यस और नो? नो। यू नो देखो मैंने पहले ही लिख के रखा धनेश्री, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके पापा आपसे प्यार करते हैं? यस और नो? यस। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। बट यू नो धनेश्री, पानी यहाँ तक आ रहा है, बट मजा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पानी से? नहीं बिल्कुल नहीं, मजा आता है ना पानी में। ओके धनेश्री, पता नहीं मैं जब वहाँ से आ रहा था ना मैंने तुमको देखा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारा जो शादी है ना वो 2025 में होगा, तुमको क्या लग रहा है? अब मुझे कैसा पता चलेगा क्या 25 में ही होगा मेरा शादी? पता नहीं है ना आपको? यू नो मुझे भी पता था कि आप ऐसा ही कुछ बोलोगे, देखो मैंने यहाँ पे है ना लिख के रखा हुआ है, पता नहीं। यू नो कभी कभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। यू नो आप अगर सच्चे दिल से कुछ करते हो ना तो हर कोई साथ देता है। ठीक है धनश्री, अच्छा वैसे है ना जैसे मैं बोल रहा था कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ, आपको विश्वास हुआ? नहीं। ओके अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ यार। हाँ। ये देखो मैंने लिख के रखा। ओके धनश्री, कैसा होगा उससे बात होती रहती है रेगुलर? हाँ।
कैसा होगा, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले राइट, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, कैसा होगा अगर मैं उसका नाम तुम्हें बता दूं तो कैसा लगेगा? बता दोगे तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। हाँ। लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो आपको उसको कॉल करना है और उसको ये बोलना है कि मैं तेरे से ब्रेकअप कर रही हूँ। देन श्योर, अपना हाथ ऐसे आगे करो और सिर्फ अपने उसके नाम के बारे में सोचो। पहले तो ये सोचो कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, मेल है राइट। ओके धनश्री, इधर देखो, उसके बीच के अल्फाबेट पे फोकस करो। जैसे किसी का नाम राम है तो बीच का अल्फाबेट ए हो गया राइट, वैसे इस नाम के बीच के अल्फाबेट पे फोकस करो। ना तुम मुझे कोशिश कर रही थी थोड़ा सा ट्रिक करने की, बट यू नो पता नहीं तुम एस पे थी, एस पे, एस पहले ए सोचा था बट तुमने फिर एस पे स्विच हुई राइट। उसका नाम अपने माइंड में बोलो। परफेक्ट, बोला। इधर देखो, अब बोलो यश। आपको कैसे पता चला? पता नहीं यार, मतलब मेरे को लग रहा था कि जिसके पास धनेश्री होगी ना उसके पास यश जरूर होगा। ओके, लेकिन वादे के मुताबिक आपको कॉल करना पड़ेगा फिर, और उसको सीरियसली बोलो ऐसा कि मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बस ऐसे ही कुछ इशू हो रहे हैं मेरे को रिलेशनशिप में। बट मुझे कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे आपके साथ नहीं रहना है बस। नहीं मैं क्या करूँ आपको बता के, बस मुझे नहीं रहना है, बस मुझे नहीं रहना है आपके साथ। ठीक है चलो बाय। बेचारे को समझ में नहीं आया, कभी अभी बीच में झगड़ा वगड़ा हुआ था? हाँ। तो कर लो ना ब्रेकअप, क्या फर्क पड़ता है।